Ladies and gentlemen, please welcome Asad Razakhan. Wow! Wow, wow, wow! Welcome, ladies and gentlemen, to another episode of Comedy Adda, shot here in Dubai! You made it, you made it, you made it! My name is Asad Razakhan. I'll be your host for now. इस वक्त दुनिया के हालात ऐसे चल रहे हैं, इतने मसले मसाइल हैं कि कल का किसी को भी नहीं पता. यूरोप जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर परेशान है, मिडल ईस्ट जो है वो अमेरिका के साथ जंग के लिए परेशान है, अफ्रीका जो है वो गुरबत के लिए परेशान है, और पूरा पाकिस्तान इस बात के लिए परेशान है कि मेरे पास तुम हमें दानिश की शादी होगी किससे, उससे होगी या उससे होगी. बट जब तक ये एपिसोड एयर होगा शायद दानिश अपनी तीसरी शादी की तैयारियां कर रहा होगा और एक सीक्वल बनेगा मेरे पास तुम सब हो. All right, ladies and gentlemen, we have a great show. Sadarun is in the house. Let's start. Ladies and gentlemen, presenting our panel, Salman Rushdie. Stop. तो हम पे भी बम गिरवाओगे अमेरिका से. Sorry, sorry, not Salman Rushdie, Salman and Rushdie. Yeah. Let me clarify. Thank you. हमने इस शो में आपसे वादा किया है कि हम एक टिकट में आपको सब कुछ देंगे और ये वादा इस एपिसोड में भी हम पूरा करेंगे. हमारे पास हैं एक सेलिब्रिटी गेस्ट, उनको हम बुलाएंगे, उनके साथ हम करेंगे बातें, फिर वो सेलिब्रिटी गेस्ट आपको सुनाएंगे एक स्टैंड अप कॉमेडी सेट. आर वी रेडी फॉर इट? हमारे पहले गेस्ट जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया, ना इन्होंने सिर्फ कॉमेडी, स्पेशली इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी का स्टार्ट किया पाकिस्तान में, बट उसके ये एम्बेसडर रहे एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, मेकिंग अस प्राउड. लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द मैन साधारण. जी दो तीन पसंद आ गई तो बता दें. जी जी ऐसी बात वैसे नहीं करते मी टू के जमाने में, मगर ओके इट्स ओके. हाउ आर यू साथ, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आई एम डूइंग वेल, हैप्पी टू बी इन दुबई. एवरी टाइम आई कम टू दुबई दीज ऑडियंसेस आर जस्ट ब्यूटिफुल. They're amazing. They're paid in dollars. It's fantastic. I love being here. Yeah. वैसे एक बात बताएं, ये दुबई में आपका क्या fifth time, sixth time? Yeah, माशाल्लाह से I've come probably once every year for probably for the last 15 years or something. माशाल्लाह. So, yeah, so. Sir, 15 साल से आ रहे हैं. जी जी. And deported only thrice. So, only thrice. So it hardly counts. 15 साल से आ रहे हैं. Immigration का plan है क्या? जी हाँ है, इधर का इमिग्रेशन का प्लान है. इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्लान. आप लाइन में लगे. वी ऑल या यार इट्स गुड. या हाउ आर यू गाइस डूइंग? वी आर गुड, वी जस्ट बीन पुट असाइड. आई लाइक दैट. वी लाइक दैट यू आर इन सेकेंडरी. या दिस इज द होल बिजनेस एंड इकॉनमी सिचुएशन अगेन. सो वी हैव डन टू शोज, मे बी बाय द सिक्स्थ शो वी विल गेट आवर ओन मग्स. भाई ये जो भी आता है वो इनको दिखा के फिर एक सिप लेता है, तो आप मग लीजिए, इनको दिखाइए कि इनके पास नहीं है. थैंक यू. और वो सुसु पूछना नहीं, इस बंक के अंदर क्या है? कम फ्रॉम ड्यूटी फ्री. ओके, एंड यू गॉट टू मेक दैट नॉइस व्हेन यू आर ड्रिंकिंग. ऐसे चले कोई नहीं. अच्छा एक बात बताएं, आप पहले थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आई थिंक इम्प्रोवाइजेशन स्टार्ट किया. जी, 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 ब्लैक फिश के नाम से. ब्लैक फिश, किन को ब्लैक फिश याद है? ब्लैक फिश से सबको याद है. ऑडियंस की एज ग्रुप भी पता चल गया. हम जैसे लोगों को बहुत जिंदाबाद.
तो हाँ तो आपने इम्प्रोव स्टार्ट किया विद ब्लैकफिश एंड देन यू वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इवन स्टार्टेड स्टैंड अप कॉमेडी जी तब में और अब में क्या फर्क है एंड हाउ हैज द जर्नी बीन Yeah, the journey has been good. Now, finally, before when I first started doing stand-up, us vakt I thought ke chalo abhi wo thode se aur log aayenge is field mein. But then it didn't happen. And then I thought a few years later, chalo ab log aayenge is field mein. But it didn't happen. You know? Now I see that younger people are kind of breaking out of that mold of not being lawyers, not being doctors, not being engineers. And then I feel that it's really kind of picking up steam. तो ये सब छोड़ने के बाद क्या वो कॉमेडी में बेरोजगार होते हैं या there is opportunity for them to actually earn something? नहीं नहीं most of them are बेरोजगार. माशाल्लाह. Most of them are बेरोजगार. They are. You know. सलमान इस बात पे ऐसा है कि उसको भी पैसे नहीं मिलते. Yeah. Look, there's not a lot Diva of. Diva ka bill bharna tha, to please. This is why I bring my CV to all the shows. Exactly. Just give it out. Yeah. Aapko show pasand aaya? I know. I mean, this is a true story. I was actually coming to the airport this time, and my father was like, "It's been almost 20 years of me kind of doing this," and he was like. बेटा कुछ और कर लो यू नो 20 इयर्स लेटर ही इज लाइक ही नेवर गिव अप यू नो लाइक बेटा कुछ और रेकमेंड क्या किया डॉक्टर इंजीनियर नहीं नहीं ही इज लाइक मेरा एक बिजनेस आईडिया है एंटरप्रेन्योर तुम्हारा सीवी तो खाली होगा बिजनेस ही कर लो बेटा Did he actually have an idea, like serious one? No, he did. He does have an idea. He wants to be in the marble business. Marble? Yeah, marble, exporting marble. From where? Huh? Wait, don't steal my father's idea. Sell the marble. Saad Harun's father, Mr. Harun. I don't know. Well, our show, Marble Adda. Marble Adda. Next on Marble Adda. Saad Harun, how did you start your business? So, aapne ye jab sab kuch kar liya, and you got to that second funniest man in the world ka khitab, by the way. How did that feel? Like, uske baare mein, what was the journey? It was a really good feeling, very, very good feeling. But as soon as I won second funniest person in the world, there's one question everyone would ask. Like, achha, you're the second funniest person in the world. Who's the first funniest? We want to meet him. I tell them, I don't know who the first funniest person is, but I know who the biggest is. अच्छा साथ why no social media इतना आप present क्यों नहीं है social media yeah I have nothing against social media I feel like we live in a time where when I was growing up boasting was wrong you know I mean the thing is when somebody used to boast they're like अरे ये तो insert gali here okay whatever that is you know ये तो वो है and then now it seems like you get rewarded for the more you boast I mean why are you checking into a business class lounge On Facebook, you know? Fahad. The question Fahad. Fahad, why are you checking in no, to the business? Reason, huh? Because I can't get into the actual lounge. So I... Checking. Oh, so on, you just stand outside. Yeah, outside, yeah. Just by the Wi-Fi. Just by the Wi-Fi. Yeah, and you check in. Yeah. Okay. Okay. So I feel like... I feel like... I love what I do. I get a lot of love from the audiences when I come. That do I want to go into that realm of famous? Because once you say something, then everyone comment. I hate comments. Don't yeah, you? I hate don't comments. You like? I like something, but I don't like the comments underneath, because anyone can write anything. Correct. You know. Yeah. And I know that you've written things, and that's okay. I forgive you. I forgive you for those things. But only positive things for which you paid me to. Yes, that's true. That's true. That's where it's reached. I have to pay people, right? To be like, Saad looks good in this show. Paid after the show. But Saad, what's the difference then with the comments online and aap live show karte hain, to log bhi to bol dete hain. Yeah, yeah, but you can punch them back. You can't punch them.
अच्छा इसी बात यू नो हु दे आर यू कैन फॉलो देम होम यू कैन कैंप आउटसाइड आई एम नॉट सेइंग आई डिड दैट यू कैन हरास देयर वाइफ आई मीन यू नो आई एम नॉट सेइंग आई डिड दैट यू कैन गेट देयर किड्स आउट ऑफ स्कूल आई मीन आई एम नॉट सेइंग आई डिड दैट बट यू कैन यू नो यू कैन फाइंड आउट देयर बैंक अकाउंट नंबर आई एम नॉट सेइंग आई डिड दैट You can say, Asad bhai, I'm coming for you, but not that I did that. Anyway. तो आपको इतनी मोहब्बत है सोशल मीडिया से जो हमें पता चल गया तो हमारे पास एक है बहुत ही खास गेस्ट जिन्होंने सोशल मीडिया में बहुत नाम बनाया अमेजिंग तो हम बुलाते हैं टिकटॉक की शान इंस्टाग्राम की आन और एक बेगैरत इंसान सोशल इन्फ्लुएंस हम लोग फॉलोअर्स ढूंढ रहे हैं सब विद यू इसने लिफ्ट भी नहीं कराया मैन दिस प्लेस इज लिट ब्रो भाई वॉच आपकी अंग्रेजी ने गिरा दी भाई बहुत शुक्रिया आपके आने का इनकी बातों पे राज है सेवा ये सेवा कर रही थी और मैं दिस इज माय बर्गर ब्रदर राइट हियर मतलब आप आए हमें बहुत अच्छा लगा कहां से पिक हो दो है ना वेट 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 इज ही पाकिस्तानी आई डोंट गेट इट इनके शनाख्ती कार्ड पे तो यही लिखा हुआ है आप हैं कहां से इंग्लैंड ब्रो नो 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 वेयर आर यू फ्रॉम रियल This green. I love this green. Bradford. 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 Oh yaar Pakistan na yaar kya ho gaya tha. Achhi pehle impression banata sabki mother sister into one kar diya. Kya? What? भाई जी असल गल ऐसी कि मेरी कजन इंग्लैंड रहती उसके पास तो ब्रिटिश पासपोर्ट तो मैंने कहा उसके साथ सेटिंग हो जाएगी ना तो मैंने एक्सेंट बना लिया मैंने कहा मुझे भी मिल जाएगा ब्रिटिश पासपोर्ट तो बाद में सीन ये हुआ कि मैंने ना टिकटॉक पे एक वीडियो बनाई उसमें मैंने दिखाया मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना मुझे दगा देती है मुझे पानी का बोतल देती है उसमें होता है जहर मैं पीता नहीं मैं मुँह में डाल के इन्होंने देखी लो जी मैं हो गया वायरल मैं हो गया शोखा मैंने अंग्रेजी भी आ गई अचानक मैं अब नाश्ते में ना दही नहीं खाता योगर्ट अल्लाह माफ करे मैंने नाश्ता कह दिया ब्रेकफास्ट तो भाई जन बात ये हुई कि ना ब्रांड मुझे कॉन्टैक्ट करने लगे उन्होंने कहा हमारे लिए वीडियो बनाओ इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे फेसबुक तो मैं कहीं इधर से तो पैसे आने लगे अब मुझे इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं है सोनी सोनी बच्चे मुझे मैसेज करती हैं अब तो मैं पापा की प्रिंसेस के साथ सेट हो गया ओके यहां ना बैठी हो पापा की प्रिंसेस नहीं यानी सोनी नहीं है तो भाई जी अब बात ये है कि मैं उधर ही मेरा इंग्लैंड बन गया मैंने कजन को कहा तेरी लोड नहीं है तो मैं अब रहता हूँ इधर ही तो मुझे रेस्टोरेंट वाले बुलाते हैं कारोबार अच्छा चल रहा है रेस्टोरेंट वाले कहते हैं आओ हमारे रेस्टोरेंट पे जाना होता है उधर सिर्फ एक पोस्ट डालनी होती है मुफ्त में खाना भी मिलता है पैसे भी मिलते हैं करना ये होता है इंस्टाग्राम के लिए मोबाइल निकालते बबून की बैक साइड जैसा मुंह बना के ना अच्छा इसमें शक्ल बनाना जरूरी है भाई जान फिल्टर आ गए आजकल ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे और फिल्टर आपको क्या पता क्या देन है अल्लाह के जमाने में ओ हो पुराना जमाना होता था नाजरीन बगैर देखे रिश्ता हो जाता था फिर एक जमाना आया जिसमें हल्की फुल्की सॉरी बात हो जाती थी फोन पे वो पुराने फोन होते थे ना वो टक 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 जितने देर में वो पीछे जाता था ना टक 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 उतनी देर में आजकल के दौर में 10 ब्रेकअप हो जाता फिर आ गया अब नया जमाना इसमें जब तक आपकी गर्लफ्रेंड आपको कुत्ते वाला फिल्टर लगा के सेल्फी ना भेजे
वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करते. चाहे आप खुद कुत्ता बन जाएं. मुझे खुद खाना तो चलता रहता है. और अगर जनाब फिल्टर के बगैर भी सोनी निकल आए ना तो लाइफ झिंगा लाला. झिंगा लाला से याद आया ये भाई साहब कौन है? यार ये हमारे मेहमान है, इनको हमने डाइवर्सिटी के लिए बुलाया है. डाइवर्सिटी के लिए? ये जी. ओ भाई जी, डाइवर्सिटी के लिए बुलाना था ना, किसी रशियन को बुलाते, किसी गौरी को बुलाते, इस तरह के तो 6 कजन मेरे अपने हैं. ओ भाई जी, अगर ये डाइवर्सिटी है मेरे घर में तो ग्लोबल विलेज खुला हुआ है. ईमान से मेरे 6 के 6 कजन एक दफा कजाफी स्टेडियम लौट चले गए, पुलिस ने गिरा डाली, उन्होंने कहा श्रीलंका की टीम आ गई. लेकिन दिल का बहुत साफ है. वैसे सलमान भाई से मुझे बड़ा इश्क है, मैं बड़ा फैन हूँ इनकी कॉमेडी. अच्छा, बहुत मुझे बड़ा शौक था इनको देखने का लाइव. मैं बाहर खड़ा हुआ था, सलमान भाई ने मुझे कॉल किया, अंदर आओ तुमसे बात करनी. मैं अंदर आ गया, सलमान भाई की आवाज है, नजर ना आए. मैं कहा सलमान भाई किधर हो? कहते नीचे देखो नीचे. फिर सलमान भाई को उठा के मैंने स्टूल पे बिठाया, फायदा नहीं हुआ, फिर टेबल पे बिठाया. मैं कुछ नहीं बोल सकता, सच है. मजे की बात यह, मैं भी कुछ भी नहीं बोल सकता. अब मुझे तो कुछ लोग ये शो देख के समझते हैं कॉमेडी आधा नाम है. अच्छा, तो अब हमारा अगला सेगमेंट, बिफोर वी गेट साध हारून टू कम एंड डू स्टैंड अप फॉर अस, एक हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड. ओ बॉय. और आप फिक्र ना करें, बड़ी शरीफाना सवालों का रैपिड फायर बहुत आपके साथ पीछे हुआ था अभी. आर्मी. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट. आपकी तालियों में, कम ऑन. ऑल राइट, अगर आपको कोई एक टीवी शो में जबरदस्ती एक कैरेक्टर करना पड़े तो कौन सा करेंगे? जबरदस्ती. जबरदस्ती दिल से भी कर सकते हैं. ओके, रुश्ती. Worst pickup line used on you. Worst pickup line used to me. Are you the second funniest man in? Most promising comic coming out of Pakistan. Most promising comic. Oh my God, there's so many of them. There's this guy from the new batch. There's so many of them. I mean, you've interviewed Danish, you've interviewed Ali Gulpeer. I'd say Hassan bin Shaheen is this very, very funny comic that's coming out. Watch him. He's very, very good, very funny guy. Translate the following English movie titles into Urdu. Oh boy. Magar tez tez, sochna nahi hai. अरे यार, सोचोगे तो मजा नहीं आएगा. ठीक है, बहुत मजा आएगा लोगों को. ऑलराइट, इसीलिए तो. ओके, लेट्स स्टार्ट. गॉन विद द विंड. चला गया हवा में. डेडपूल. मुर्दा पानी. किस किस बैंग बैंग. दैट्स चुमी चुमी ठा ठा. दैट्स दानिश. दैट इज That's Danish Ali's joke, okay? I can't take credit for any of it. Man of Steel. Okay, maybe a little credit. I'll take for it. Man of Steel. Banda Lohe Ka. Kill Bill. Marvao Salik. No. Marvao Chekko. Spider-Man. Spider-Man. चूटी. हेल्प मी आउट, हेल्प मी आउट. अच्छा चले, मूविंग ऑन. डाई हार्ड. रज़ा खान. सॉरी, आई एम गोइंग व्हेयरएवर आई कैन. डाई हार्ड. हाँ, डाई हार्ड. मरो सख्ती से. एंड लास्ट, सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स. ओ, कॉमेडी अड्डा. Ladies and gentlemen, that was Saad Haroon. Thank you. And now we'll be back with his stand-up performance. Ladies and gentlemen, we have the wonderful, yes, Saad Haroon with us.
और अब करेंगे ये हमारे लिए एक स्टैंड अप सेट आपकी भरपूर तालियों में साधारण। Thank you, ladies and gentlemen. My name is Saad Haroon. I'm going to do some stand-up for you right now on Comedy Adda. I also talk to the audience a lot, so please feel free to, you know, jump in whenever you want and avoid the other comedians sitting awkwardly behind me. They are just props right now. They just have to laugh whenever I crack a joke. I love being here in Dubai. I give a big round of applause to Dubai. I love being here, although I do find it a little bit culturally, it's very different for me because I feel all left-hand drive cars are un-Islamic. So it's great to be here. Great to be here in Dubai as well. But I think that it's all, I mean, getting here though, always a little bit of a hassle, don't you think? You know, I have to go through the airport. You have to go through a scanner. You know, I did this time, went through the scanner, walking through like, beep. Sir, please take off your jacket. I was like, okay. I went back, took off my jacket, had to go through the scanner again. Pip! Sir, please take off your shoes. I went back, took off my shoes, go through it. Pip! Sir, please take off your belt. I don't know why they have a scanner you should need to walk through. They should just have a pole. Play some music. Pow chicka chicka pow pip. Sir, please take off your jacket. Pow chicka chicka pow pow. Sir, please take off your belt. Make it more interesting for the other people in line. It's okay, I'll take the next flight. I'm having fun right here. It is good being here. It is good being here. As I said before, I took the flight over, but I was sitting next to that Desi on the flight. That Desi, that as soon as the door closes, they're like, excuse me, miss, drink cut, miss. And they start drinky, not drink. They don't stop. They're like, drinky. And then as soon as they finish, like, excuse me, a Muslim meal, please. I just want to record Salman's laughter. For everything I do in my life, I'll be like getting ready in the morning. Be like I love it, man. You have like an infectious love. I'm doing my joke. I can stop. I wonder like how many crazy jokes I can do today. You're from Karachi? Who else is from Karachi? Give me a round of applause. Who's from India over here? I love it. The Pakistan people are like, yeah. The Indian people are like, they're like, Modi might be watching. He's watching. How do you translate citizenship bill? Oh boy. From Karachi, huh? Great. Who's from Lahore? What is that? Bunch of cousin marriages. What was that? It's good. Okay, fine. I know that we have to wrap up right now, so I'm just gonna like do a few of my classic jokes and then go from there. Even if I think that it's kind of gets crazy, I think that Pakistan is just an amazing place. You know, it's an amazing place. I think everyone should come to Pakistan, even aliens. You know, even if aliens come, they should come to Pakistan.
The French wouldn't know what to do. The British would not know what to do. Russians wouldn't know what to do. We would know exactly what to do. As soon as they crash, we'd have a dinner for them. When anyone comes over, we have a dinner for them. We don't think twice. You run out to get naan and just do what you need to do. You know, if aliens came, they're like, khana lagao. That's what they do. The aliens would walk in and I'd say, greeting, alien brothers, greeting. For you, we've made special biryani dinner. Biryani, yay! Thank you, but we are aliens. We do not eat biryani. No problem, no problem. For you, you've also made special korma dinner behind the biryani. Korma for you, yay! Thank you, but we are aliens. We do not eat biryani. We do not eat korma. Just one bite. From my hand, one bite. No, no, we are alien. We do not eat korma. We do not eat biryani. We do not eat any of it. Okay, okay, calm down, calm down. It's okay. I'll put some in a plate. You take it for your wife, okay? I do not have a wife. Really, this is my daughter, Rakshanda. do you have a green card as well? Apart from being green? Oh, boy. It's good. Well, ladies, I think that we're running out of time right now. Thank you so much. You have been a wonderful, wonderful audience. Thank you. Thank you so much. Please, thank you to Mr. Arsene Rosa Khan. Ladies and gentlemen, Sadhguru! That was our show for this week. We'll come back next week with the amazing Sadhguru once again. Stay tuned. Thank you very much.